हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो दोज आर लाइक न्यूली लॉन्च्ड इन मार्केट्स एंड दीज आर फ्रॉम न्यूट। तो एक है इनका प्रीमियम फेस वॉश एंड द अदर वन इज देयर प्रीमियम मॉइस्चराइजिंग लोशन। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है femstyle212। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो पैकेजिंग जो है दोनों की ही बिल्कुल सेम है, एज यू कैन सी कि काफी ज्यादा स्टर्डी वाला बॉक्स इन्होंने प्रोवाइड किया है, विच इज लाइक मेड अप ऑफ कार्टन। तो ये बहुत ही अच्छा इको फ्रेंडली इनका पैकेजिंग है एंड लेट्स टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट देयर पैकेजिंग, बिकॉज बहुत ही अच्छा इन्होंने एक लग्जूरियस वाला पैकेजिंग यहाँ पे रेडी किया है। एंड आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा हार्ड सी इनकी पैकेजिंग है। तो मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि आप इस वाले बॉक्स को बहुत ही मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हैं। लाइक फ्यूचर में आप इसमें किसी भी मेकअप प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं, अपने मेकअप स्पॉन्जेस या फिर मेकअप ब्रशेस को भी स्टोर कर सकते हैं, आप इसको ट्रैवलिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये मल्टी यू नो पर्पस वाला पैकेजिंग हो जाता है। तो ये बहुत ही काम का बॉक्स है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे देन यू कैन सी दी लाइक पैकेजिंग, दिस इज सो गुड यू गाइस। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने प्रोडक्ट को ऑलरेडी बाहर निकाल लिया है। एंड साथ में आपको एक ये ब्यूटीफुल सा पाउच मिल जाता है दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स में। तो ये वाला जो पाउच है इसमें आप इजिली अपने शेड्स को स्टोर कर सकते हैं या फिर आप इसमें किसी भी तरह के लाइट वेट वाले जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसको आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वेट कैरी नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका मटेरियल कुछ इस तरह का है। तो ये मुझे बेहद पसंद आया कि इन्होंने एक छोटा सा पाउच प्रोवाइड किया है एंड अंदर से आप देख सकते हैं कि इस तरह का इनका जो है पैकेजिंग है। मैं बहुत ही क्लोज से आपको इसका पैकेजिंग दिखा रही हूँ। तो पैकेजिंग मुझे इसकी बेहद पसंद आई। अगर बात करूँ बॉटल की तो दोनों के दोनों जो बॉटल्स हैं बिल्कुल आपको सेम लाइक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा सा इन्होंने प्लास्टिक का बॉटल प्रोवाइड किया है। एक और चीज़ मुझे इनकी जो बहुत अच्छी लगी दैट इज़ कि एक आपको इस तरह का स्टॉपर मिल जाता है जो कि आपके प्रोडक्ट को सिक्योर करता है। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि इतने इस तरह के जितने भी पंपिंग वाले प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें से लीकेज हो जाती है, बट अगर आप इसको इस तरह से लाइक क्लोज कर देते हैं तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। और एक और चीज़ जो मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है दैट इज़ कि ये बिल्कुल भी टाइट नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आपको जो है ये पंपिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट मिल जाता है, जिसकी वजह से आप प्रोडक्ट को बिल्कुल बाहर निकाल नहीं पाते, ठीक से यूज़ नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही अच्छा फ्लेक्सिबल है एंड आप इसको इस तरह से ट्विस्ट करके ओपन एंड क्लोज कर सकते। इस तरह के ह्यूज बॉटल्स मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि बॉटल की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल भी लाइक पैकेजिंग में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अगर प्राइस पॉइंट की बात करूं तो इनका जो फेस वॉश है दैट रिटेल्स फॉर 600 रुपीज एंड जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है दैट रिटेल्स फॉर 650 रुपीज। तो थोड़ा सा आपको प्राइजी लगेगा, बट जैसे जैसे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी आपको ऐसा लगेगा कि एक बार इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। और इसकी शेल्फ लाइफ आपको इसमें 2 ईयर्स की मिल जाएगी, तो आप इसको ईजिली यूज कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द की इन्ग्रीडियंट्स ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स, तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि फेस वॉश में जो है इनका की इन्ग्रीडियंट है गोट मिल्क, नीम एक्सट्रैक्ट, टी ट्री ऑयल, विटामिन ई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन, प्योरीफाइड वाटर। तो ये वाला जो फेस वॉश है आई थिंक एवरी स्किन टाइप्स वाले इसको यूज कर सकते हैं। यू शुड एटलीस्ट ट्राई वंस, क्योंकि गोट मिल्क जो है आपके लाइक बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही अच्छा लाइक मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि मैंने गोट मिल्क के जितने भी सोप बेसिस होते हैं उसको पर्सनली ट्राई किया हुआ है फॉर कस्टमाइजिंग माई सोप। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं बहुत सारे जो सोप्स हैं वो अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज़ करती हूँ। तो पर्सनली मुझे गोट मिल्क बेहद पसंद है, इस वजह से मैंने इसको ट्राई करने का सोचा। एंड इसमें जितने भी लाइक इंग्रेडिएंट्स हैं ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छे हैं आपके फेस के लिए। ये ड्राई स्किन वाले ऑयली स्किन वाले दोनों ही ट्राई कर सकते हैं। अगर बात करूँ मॉइस्चराइजिंग लोशन की, सो द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट इज गोट मिल्क, लेमन एक्सट्रैक्ट्स, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स, कोकोनट जेली, ग्लिसरीन एंड प्योरीफाइड वाटर। सो अगेन इसमें जितने भी चीज़ें हैं सब आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ये आपके फेस को बहुत अच्छी तरह से, फेस इवन बॉडी को बहुत अच्छी तरह से हाइड्रेट करेगा, तो आप इसको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट देयर प्रीमियम फेस वॉश, सो आई थिंक कि ये जो है जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, आई हैव बीन यूजिंग बोथ द प्रोडक्ट सिंस लास्ट 12 डेज नाउ, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये फेस के जितने भी डेड स्किन है उसको अच्छी तरह से रिमूव करता है, आप
आपके फेस को एक अच्छा यूथफुल और ग्लोई सा लाइक रेडियंस प्रोवाइड करता है। पर्सनली मुझे बेहद पसंद आ रहा है इसका फेस वॉश। अगर टेक्सचर की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा माइल्ड सा सॉफ्ट सा टेक्सचर है, जिस तरह के लोशन में टेक्सचर होता है बिल्कुल उसी तरह का टेक्सचर है। और अगर बात करूँ कि ये फेस पे अप्लाई करने से कैसा लगता है, तो ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा लाइक स्लिपरी, बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा फील होता है। मैंने इसको फेस पे अप्लाई किया हुआ है, ट्रस्ट मी दिस गिव सच अ नाइस यूथफुल रेडियंस लुक। और अगर बात करूँ स्मेल की, तो बहुत ही अच्छा माइल्ड सा एक कोकोनट और वनीला वाला फ्रेग्रेंस है, और बहुत ज़्यादा इसमें लेदर नहीं होता है, विच इज़ ग्रेट। लाइक आपके फेस वॉशेस में बिल्कुल माइल्ड सा लेदर होना चाहिए, ज़्यादा लेदर होने से उसमें पता चलता है कि आपके प्रोडक्ट में बहुत ही ज़्यादा केमिकल है। तो ये मुझे इस फेस वॉश की काफ़ी ज़्यादा पसंद आई कि ये बहुत ही अच्छा माइल्ड सा फेस वॉश है, इसको इवन जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दी मॉइस्चराइजर, ये वाला जो मॉइस्चराइजर है आप इसको फेस एज वेल एज बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स ऐसे होते हैं जो कुछ देर के बाद ही बिल्कुल लाइक गायब हो जाता है, पता नहीं चलता, बट ये मॉइस्चराइजर आपके फेस एंड बॉडी पे बहुत देर तक टिका रहता है, विच इज काइंड ऑफ ग्रेट। अगर बात करूँ इसकी टेक्सचर की, तो अगेन इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है एंड बहुत ही ज्यादा माइल्ड है। फ्रेग्रेंस अगेन इसकी बहुत ही ज्यादा माइल्ड है, एंड इसका भी फ्रेग्रेंस बिल्कुल सेम कोकोनट एंड वनीला काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस आता है। और बात करूँ इसकी लाइक टेक्सचर की, तो बिल्कुल भी नॉन स्टिकी एंड लाइट वेट सा फॉर्मूला है, बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं होगी। तो आप इसको विंटर एज वेल एज समर में भी यूज कर सकते हैं। वेदर यू आर अ बॉय और अ गर्ल, आप ये दोनों प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। एक और चीज जो मुझे इसकी बेहद पसंद आई, दैट इज कि ये दोनों ही प्रोडक्ट्स SLS, SLES एंड पैराबिन फ्री है। द बेस्ट पार्ट अबाउट बोथ द प्रोडक्ट्स आर कि इनके कोई भी फॉल्स क्लेम्स नहीं है दैट दे विल रिड्यूस योर रिंकल्स और दे विल गिव यू अ वेरी नाइस रेडियंट काइंड ऑफ स्किन, और या फिर ये आपके फेस को ब्राइटन अप कर देगा, आपके फेस के स्कार्स को रिमूव कर देगा। तो ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया कि इनके कोई भी फॉल्स क्लेम्स नहीं है, जस्ट इन्होंने मेंशन किया है दैट दिस इज मेड अप ऑफ गोट मिल्क। तो आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, आपके फेस को ये बहुत ही अच्छा सा यूथफुल सा लुक प्रोवाइड करेगा, फेस पे एक अच्छा सा ग्लो ऐड करता है। तो आप इस तरह के चीजें अगर आपको फेस पे चाहिए तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं मार्केट में जो कि बहुत सारे क्लेम्स करते हैं बट बिल्कुल भी फुलफिल नहीं करता है, बट ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल सिंपल हैं। इन्होंने कोई भी ऐसा टैगलाइन भी मेंशन नहीं किया है कि ये जो है बिल्कुल स्पेसिफिक इसी चीज पे वर्क करेगा। तो आई थिंक कि ये सारे स्किन टाइप्स टाइप्स वाले दोनों प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को लाइक आप लोगों को रिकमेंड करूंगी या फिर नहीं, देन डेफिनेटली मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन डू ट्राई बोथ द प्रोडक्ट्स, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पे बेहद अच्छे हैं एंड इनकी लाइक क्वांटिटी बहुत अच्छी है। तो आई वोंट से कि प्राइजी है बहुत ज्यादा, आप इसको एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स को परचेज करना है तो मैं इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ये आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।